आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे कट ऑफ क्या होने वाली है CDS 2022 की, रिजल्ट कब आने वाला है और आपके मार्क्स कब सो होंगे, ये सब। ठीक है, आई नो आपने बहुत सी जगह से कट ऑफ देखी होगी, बट मैंने देखा है उन लोगों की फट रही है ज़्यादा कट ऑफ बताने में, मेरी बिल्कुल नहीं। सीधी सी बात है, कट ऑफ जो है OTA की 115 जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और IMA के लिए आप 150 प्लस मान लीजिए और AFA के लिए भी 165 के प्लस मान लीजिए आराम से। रही बात कि पेपर लेवल जो है वो डिफ़िकल्ट हो रहा है, नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा। सेम पेपर है हर बार, कोई ना कोई पोर्शन जो है वो टफ होता है, इस बार भी सेम वही प्रॉब्लम है। ठीक है, सबको अलग अलग टफ लगता है, टीचरों को भी खुद की होती है ना कि उनको क्लोज टेस्ट थोड़े से कमज़ोर लगते हैं तो वो बता देते हैं क्लोज टेस्ट टफ आया था, किसी को सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला लगता है तो वो बोल देते हैं वो टफ आया था, idioms vocab सही नहीं है तो vocab टफ आई थी, ऐसा कुछ नहीं है। हर बार कुछ ना कुछ पोर्शन टफ आता ही है, CDS UPSC करा रहा है तो फिर कुछ तो हाई होगा ना, तो फिर कट ऑफ बढ़ रही है, तो वो स्टूडेंट्स की मेहनत की वजह से बढ़ रही है और बच्चे जो है कम सिलेक्ट हो रहे हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो स्टूडेंट जब ज़्यादा पढ़ रहे हैं और जब जो 3-4-5 अटैम्प्ट दे के भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कट ऑफ बढ़ना जाहिर सी बात है। तो मेरी प्रेडिक्शन तो यही है कि OTA के लिए 115 के अराउंड और IMA के लिए 150 और AFA के लिए 165, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप CDS 2020-21 की चेक करेंगे तो फिर वहाँ पे भी OTA की आपको पता होना चाहिए 107 गई है, और उसके बाद अगला एग्ज़ाम 2020-21 वो भी है, उसके बाद ये है ना, तो आप समझ सकते हैं ये सब चीज़ें। और फिर AFA की जो 158 गई थी तो 7 नंबर बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। और वैसे भी AFA की कट ऑफ नहीं है, वो समांतर श्रेणी है, आपकी बढ़ती जा रही है समांतर श्रेणी में, है ना, कॉमन डिफरेंस सेम है। अब बात करते हैं रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट जो है 45 डेज़ के अंदर आ जाता है, ये उनकी नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है 45 डेज़ के अंदर। लेकिन लास्ट, अब 45 डेज़ के अंदर कभी भी आ सकता है, तो फिर लास्ट टाइम जब आया था वो 39th डे में आया था, 39वें दिन, तो फिर आप मान लीजिए 10 मई 20 मई के आसपास आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ओके, लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए, आपका रिजल्ट आएगा आपका केवल रोल नंबर शो होगा और एक दिन बाद फिर लिस्ट आएगी या फिर उसी दिन आ जाएगी जिसमें आपका नाम शो हो जाएगा, मार्क्स आपके नहीं आएंगे। मार्क्स जो आएंगे फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आएंगे, यानी कि मार्च में, अगले साल मार्च में, समझ रहे हो ना, अगले साल मार्च में आपके स्कोर शो होंगे सब बच्चों के जो फेल हुए हैं पास हुए हैं, डजेंट मैटर, सबके स्कोर शो होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और कट ऑफ ज़्यादा सुन के सॉरी बट यही होने वाला है 100% तो नहीं बट ठीक है ना, ज़्यादा ही जाएगी। ओके।